2015 में महिलाओं की एक सभा थी, उसमें हम थे, उन लोगों ने मांग की, हमने कहा चलिए भाई अगले बार आएंगे तो लागू करेंगे, तो 15 में फिर जीत गए, 16 से हम लोगों ने लागू कर दिया 1 अप्रैल 2016 से। और कितना इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। दारू पिएगा तभी जिएगा, अगर ये सोच आपकी है वो भी बिहार में रहते हुए तो सावधान हो जाइए। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी और भी सख्ती से लागू होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर कल क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार ने अपनी शराबबंदी का पोल खुद ही खोल दिया है। उन्होंने खुद ही आंकड़े गिनवा दिए हैं कि कितनी बड़ी संख्या में शराब तस्करी के मामले बिहार में दर्ज किए गए हैं। शराबबंदी के बावजूद नीतीश कुमार ने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हमने महिलाओं से वादा किया था कि आपको सुरक्षित और स्वच्छ समाज देंगे, बस इसीलिए 2016 में शराबबंदी को लागू कर दिया गया। हालांकि नीतीश कुमार ही आंकड़ा गिनवा रहे हैं कि 2016 से लेकर के 2021 तक में 255,111 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार यहां ये भी गिनवाना नहीं भूले कि शराबबंदी से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये भी बताया कि शराब से लगभग 200 प्रकार की बीमारी होती है और साथ ही 5.3% लोग हर साल शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि बिहार में रहते हुए अगर आपको दारू पीने का शौक है तो DSP को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि इन पर प्राइवेटली ध्यान रखा जाए। 2015 में महिलाओं की एक सभा थी, उसमें हम थे, उन लोगों ने मांग की, हमने कहा चलिए भाई अगले बार आएंगे तो लागू करेंगे, तो 15 में फिर जीत गए, 16 से हम लोगों ने लागू कर दिया 1 अप्रैल 2016 से। और कितना इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया, लेकिन आप कोई भी काम करिएगा कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, आदमी का स्वभाव होता है। आदमी में ज्यादातर लोग अच्छी भावना के होते हैं 90%, लेकिन 10% लोग इधर उधर सोच में रहता है, तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा। और लोग इस काम को देख रहे हैं तो कई तरह के काम, और अभी तो हाल ही में देख लिया कि पुलिस वाले पहुंच गए और वो धंधा करने वाला गोली चला दिया, तो ये सबको पता है, लोगों को, लोग हर प्रकार से इस काम को कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने पूरी बात कही है कि भाई पूरे तौर पर टीम को ही भेजा करिए, इक्का दुक्का लोग आदमी नहीं जाए, पूरी टीम जाए और पूरे तौर पर देखे, और सारे पुलिस बल के लोगों को भी, सब लोगों ने संकल्प लिया, सब लोगों ने वचन दिया, तो सब लोगों को काम करना चाहिए। इक्का दुक्का इधर उधर कर सकता है, लेकिन पूरे तौर पर मन ये बात को रखना है और इसको पूरे तौर पर, बहुत लोग इधर उधर की बात आजकल करते रहते हैं, हम तो कह देते कि कुछ गड़बड़ करने वाला लोग है और गड़बड़ी के आधार पर ही जो इतना बड़ा काम किया जा रहा है इसके लिए लोग इस तरह की बात करते हैं। आप जरा बताइए, मैंने तो पहले भी आप लोगों को और लोगों के बीच में ही बताया था 2018 में, आप जरा बताइए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे दुनिया में रिसर्च करवाया, पूरे दुनिया के हर देश में रिसर्च करवाया, और ये बात हम पहले भी लोगों को बताते हैं, हमको फिर बताना बहुत जरूरी है। और किस तरह से लोगों को कहा उन्होंने कि विश्व भर में एक साल में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो इन लोगों ने सर्वे किया, और कुल मृत्यु का 5.3% सिर्फ दारू पीने से दुनिया का। नीतीश कुमार ने पुलिस अफसरों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बिहार पुलिस की कार्यशैली में काफी सुधार आया है, हाल में ही शराब माफियाओं ने पुलिस पर गोली चलाई, हमने कह दिया कि इस तरह की अपराधियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, शराब की सूचना पर पूरी टीम छापेमारी करने जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हुए लोगों को कहा कि दारू पीने से 18% आत्महत्या के मामले देखे गए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 27% सड़क दुर्घटनाएं भी ड्राइवर के शराब पीने के वजह से ही होती है। शराब का सेवन करने वाले 48% लोग लीवर की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, 26% लोग को माउथ कैंसर भी शराब पीने के वजह से ही होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी शराबबंदी की पोल तब खोल दी जब उन्होंने बता दिया कि राज्य भर में शराबबंदी के बाद लगभग 52 लाख लीटर शराब बिहार में जब्त किए गए हैं।
जी हाँ, नीतीश कुमार ने कल शराबबंदी पर खुलकर कहा और ये बताया कि अब तक जितने मामले दर्ज हुए हैं या जितनी शराब जब्त हुई है उसके बाद पुलिस को अब सख्त हिदायत दे दी गई है कि जो लोग भी शराब पीने का शौक रखते हैं वो भी बिहार में होकर, तो अब बिहार पुलिस आप पर कड़ी नज़र रखने वाली है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो शराबबंदी अब तक फेल रही है वो अब नीतीश कुमार के कड़े रुख के बाद कितना सफल होती है। बहरहाल, आप इसरो की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।